Hello everyone, today we are going to cover past, simple और indefinite tense. इससे पहले हमने present tense के चार जो ज़माने हैं, जैसे present, continuous, indefinite, perfect and perfect continuous को हमने cover किया है, तो उसका link भी मैं description में दे दूँगा. आज का जो agenda है, the topics which we will cover in this lecture, उसके अंदर सबसे पहले concept of past simple tense का क्या है और यूज़ ऑफ पास्ट सिंपल टेंस, जैसे कि इंडेफिनिट और दूसरे जो टेंसेस हमने यूज़ किए सीखे हैं, उसके जो लेक्चर अपलोड किए उसके अंदर भी मैंने मुख्तलिफ सिनेरियोस के अंदर उनको यूज़ करना सिखाया है, तो इसके लिए भी हम इसी तरह यूज़ करेंगे वही टेक्निक. उसके बाद स्पेलिंग, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब की जो स्पेलिंग रूल्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, टू बी वर्ब्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट टू बी वर्ब्स के बारे में कन्फ्यूज़ होते हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे. फॉर्म्स ऑफ पास्ट सिंपल टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं, उसके फॉर्म्स होते हैं, उसको भी हम आज कवर करेंगे. सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट सिंपल. देखिए, कोई भी एक्शन वन पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट जिसके अंदर कोई एक्शन या कोई इवेंट परफॉर्म हो, उसे हम पास्ट परफेक्ट पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके पास ये पास्ट का पोर्शन है, ये आपके पास फ्यूचर का और ये आपके पास प्रेजेंट का. कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ हो और पास्ट के इस टाइम पीरियड में, ये जो यहाँ पर आपके पास पास्ट सिंपल का दिखा रहा हूँ कि पास्ट का जो पोर्शन बता रहा हूँ इस ग्राफ के अंदर, इसी के अंदर ख़त्म हो, तो उसको हम पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं. और इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं उसको हम पास्ट सिंपल टेंस के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं या बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट यस्टरडे. देखें, आपके पास ये प्रेजेंट की बात, प्रेजेंट में जो बात हो तो रही है, लेकिन ये जो स्नो हुई थी, जो बर्फ़ गिरी थी, वो पास के अंदर हुई थी, यानी कि कहीं यहाँ यस्टरडे में यहाँ कहीं गिरी थी और इसी के दौरान ख़त्म हुई थी, ना कि वो आज की बात नहीं कर रहा. फॉर एग्जांपल, ये आपका प्रेजेंट है और ये आपका यस्टरडे, ये पोर्शन, और यहाँ पे अगर बर्फ़ गिरी थी तो इसी के दौरान, इसी यस्टरडे में ही बर्फ़ गिरना बंद हो गई थी, और आज जब हम उसको डिस्कस कर रहे हैं तो उस वक्त बर्फ़ गिर नहीं रही, बल्कि सिर्फ कल की बात कर रहा है कि यस्टरडे बर्फ़ गिरी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट एक सेंटेंस है, टॉम वॉच्ड टेलीविजन लास्ट नाइट. देखें, ये आपके पास प्रेजेंट है, ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसको, लेकिन ये लास्ट नाइट यहाँ पर थी, ये लास्ट नाइट यहीं पर ख़त्म हो गई, पास्ट के अंदर ही ख़त्म हो गई, तो वो भी यही कह रहा है कि टॉम वॉच्ड टेलीविजन लास्ट नाइट. ये टाइम एक्सप्रेशन से आप इससे अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि यस्टरडे, लास्ट नाइट, ये पास्ट को डोनेट कर रहे हैं, यानी कि लास्ट नाइट को उसने देखी थी और लास्ट नाइट में टेलीविज़न देखना उसने बंद कर दी थी. होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि मैं पास्ट सिंपल का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं क्या डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ. आगे चलते हैं, इसके मज़ीद सेंटेंसेस को देखते हैं और मज़ीद कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. वी यूज़ पास्ट सिंपल टू डिस्क्राइब पास्ट एक्शंस, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है. फॉर एग्जांपल, एक और देखते हैं, यस्टरडे आई वॉक्ड टू द रेलवे स्टेशन. एक शख्स जो रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था, वो यस्टरडे के पोर्शन में गया है, कल के पोर्शन में गया है, आज वो नहीं गया, वो आज कहीं कुछ और कर रहा है. कल का बीता पल, जिसको कहते हैं ना, कल का बीता पल, जो बीता पल होता है उसको वो पास्ट में रिप्रेजेंट करना है, उसको पास्ट के अंदर बोला जाता है. फॉर एग्जांपल, इसके मजीद जो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमारे पास सिंपल सब्जेक्ट आता है, जैसे कि यहाँ पर है, एंड सिंपल पास्ट का जो पास्ट सिंपल फॉर्म होती है वर्ब की, उसका आता है मेन वर्ब, वो होता है यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एंड देन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम कहते हैं, आपके पास यहाँ आती है वॉक्ड, वॉक, वॉक का वॉक सिंपल ईडी के इंक्रीज करने के साथ. आगे चलते हैं, व्हेन वी यूज पास्ट सिंपल, इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं. सबसे पहले, कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट. फॉर एग्जांपल, यहाँ देखते हैं, लास्ट नाइट आई वॉच्ड टीवी, लास्ट नाइट आई वॉच्ड टीवी, यानी कि इस शख्स ने, ये दोबारा मैंने ये सेंटेंस दोबारा रिपीट हो रहा है कि यस्टरडे देखी है इसने, यस्टरडे जो बीता पल था कल का, उसमें इसने टीवी देखी है, लेकिन आज ये कुछ और काम कर रहा है, कल को डिस्कस कर रहा है कि मैंने टीवी देखी थी, कल मैंने टीवी देखी थी, कल मैंने खाना खाया था,
कल मैंने फुटबॉल खेला था, कल मैं अपने दोस्तों से मिला था, ये तमाम इस तरह के सेंटेंसेस जो कल यानी कि बीते हुए पल को डिस्कस करें उसको हम पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे लास्ट नाइट की टाइम एक्सप्रेशन हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं पास्ट टेंस को। लास्ट नाइट, यस्टरडे, जैसे यहाँ पर एक और है आई प्लेड फुटबॉल 3 days अगो, यानी कि 3 दिन पहले उसने फुटबॉल खेली थी, बीता पल है, लेकिन आज वो कुछ और काम कर रहा है। यहाँ पे अगो आपके पास टाइम एक्सप्रेशन है। टाइम एक्सप्रेशन जैसे लास्ट नाइट, लास्ट टाइम, लास्ट मंथ, 2 days अगो, 2 months अगो, ईयर अगो, 10 minutes अगो, एक्सेट्रा, इस तरह के जितने भी आपके पास टाइम एक्सप्रेशन आते हैं इसके साथ तो सिंपली पास सिंपल यूज किया जाता है। मैं दोबारा बताता चलूं, कंप्लीटेड एक्शन इन पास, जो कंप्लीटेड एक्शन होते हैं इन पास के अंदर, उसके अंदर उस सिचुएशन के अंदर भी हम पास सिंपल का यूज करते हैं। सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन यानी आपके बीते पल के अंदर आपने आप कहीं गए, एक पर्टिकुलर टाइम में गए, फिर वहीं से फिर आप चले गए, कुछ खरीदे चले गए, फिर उसके बाद आपने कुछ और काम किया, फिर उसके बाद कुछ और काम किया। ये आज जो इस वक्त प्रेजेंट में कर रहे हैं ये आप कुछ भी नहीं कर रहे, जो आपने पास में किया है सिर्फ और सिर्फ बीते पल में किया, अब कुछ भी नहीं कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, टूडे आई वेंट मार्केट, आई बॉट सम बुक्स एंड देन स्टडीड सम चैप्टर। देखें आज के दिन में, आज का दिन उसका सुबह 8 बजे से शुरू हुआ या फिर 7 बजे से शुरू हुआ या फिर 6 बजे से शुरू हुआ, पर वो आज के दिन में शाम में डिस्कस कर रहा है कि मैं आज गया था, कहीं गया था, यानी वो कह रहा है मार्केट गया था, फिर वहाँ पर एक और इवेंट इसने किया, इसने कुछ ख़रीदा जो कि किताबें कह रहा है, उसके बाद एक और इवेंट किया इसने, फिर घर आके पढ़ना शुरू किया कुछ चैप्टर्स। लेकिन आज जब शाम में वो डिस्कस कर रहा है 8 बजे शाम में या फिर 7 बजे शाम में या 9 बजे रात में डिस्कस कर रहा है, तो उस वक्त वो कुछ और कर रहा है, वो बीते हुए पल को डिस्कस कर रहा है। कंटिन्यू सीरीज ऑफ एक्शन जो इसने परफॉर्म किए हैं आज सारा दिन में, सुबह के वक्त यानी इस वक्त जब वो बात कर रहा है, इससे पिछला वक्त वो बीता हुआ पल डिस्कस कर रहा है, तो उसके जो सीरीज ऑफ एक्शन जो होते हैं कंप्लीटेड एक्शंस, तो उसको भी हम पास्ट सिंपल में हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे गो का वेंट हो गया पास्ट, एंड बाय का बॉट हो गया, एंड स्टडी का स्टडीड हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा, बीता हुआ पल सीरीज ऑफ एक्शन किसी पर्टिकुलर पास्ट टाइम में हुए हो उसको भी हम प्रेजेंट सिंपल के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। ड्यूरेशन इन पास्ट, फॉर एग्जाम्पल, खलील एंड मूना टॉक्ड फॉर 2 hours, देखे ये 2 घंटे पहले हो गुजर चुके, हमने ऑब्जर्व किया कि ये दो लोग बात करते रहे हैं पूरे 2 घंटे के लिए, लेकिन इस वक्त जब हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि वो 2 घंटे क्या, अब वो कुछ भी नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे, दे आर गोन, ये कहीं और चली गई है, ये कहीं और चला गया है, पर इस वक्त जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम कहेंगे कि इन्होंने 2 घंटे बात करी है, आपस में बात करी है, की है या की थी, तो उस टाइम जो ड्यूरेशन इन पास्ट में, पास्ट का जो ड्यूरेशन है उसको भी हम पास्ट सिंपल में डिस्कस करेंगे कि पास्ट का बीता हुआ पल है, तो इसको भी हम पास्ट सिंपल के अंदर डिस्कस करेंगे। ये टाइम एक्सप्रेशन है फॉर के साथ, फॉर 2 hours या ऑल मॉर्निंग, मार्क वेटेड ऑल मॉर्निंग, आपका एक दोस्त है या मार्क जिसका नाम है, आप जब आपके पास कोई बंदा आया और आपके पास आया कि यार मार्क जो है पूरी मॉर्निंग सुबह जितना भी टाइम था वो वेट करता रहा आपका, पर आप नहीं मिले और आप नहीं थे, ये बंदा जो उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या पता वो रात में दे रहा हो, क्या पता वो शाम में दे रहा हो, पर देख किस टाइम की रहा है, जो बीते हुए पल की टाइम की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो ड्यूरेशन जो बीता हुआ पल है, बीता हुआ वक्त है, जो कि मॉर्निंग का वक्त है। इसमें देखिए वो इन्होंने डिस्कस किया, बीते हुए पल को डिस्कस किया, बीते हुए पल में इन्होंने 2 घंटे आपस में डिस्कशन की थी, लेकिन इस वक्त वो डिस्कस नहीं कर रहे। टाइम एक्सप्रेशन जैसे कि फॉर 2 hours, फॉर 3 hours, फॉर 5 days, फॉर 3 minutes, एंड ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग, आपने यहाँ पर जो टाइम एक्सप्रेशन हैं हमने जो देखे, देखें कि यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की बात है,
फॉर टू ऑर्स के साथ आपके पास एस का इजाफा हो रहा है, यानी प्लूरल फॉर्म है, डे का डेज हो रहा है, मिनट्स मिनट का मिनट्स हो रहा है, तो ये प्लूरल फॉर्म में आ रहा है फोर के साथ। पर यहाँ देखें ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल मॉर्निंग के साथ सिंगुलर है। आपको ये बात गौर करने की होगी, अगर आप तो यहाँ पे ऑल नाइट्स की बात कर देंगे तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो ऑल डे हो सकता है, ऑल नाइट हो सकता है, ऑल मॉर्निंग हो सकता है, ऑल इवनिंग हो सकता है, ये आपके पास सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए, ये बात भी आपको गौर करने की होगी। मुझे उम्मीद है कि ड्यूरेशन इन पास्ट जो हमने डिस्कस किया है ये आपको समझ आया होगा। वैन क्लॉज जब हम यूज़ करते हैं, वैन वाला क्लॉज, या आगे हम पढ़ेंगे कि वैन किस तरह का क्लॉज होता है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो आज सिर्फ हम इसका ओवरव्यू देंगे, क्योंकि ये पास्ट सिंपल के साथ यूज़ होता है, तो हम इसका थोड़ा ओवरव्यू देना चाहेंगे, क्योंकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए, समझ आ जाए कि पास्ट सिंपल के साथ किस तरह वैन का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, जॉन वेक अप मार्क शेव, इसने दो एक्शन किए हैं, वो वेक अप हुआ, ये वॉक अप होगा, सॉरी वॉक अप हुआ एंड देन ही शेव्ड। तो इस तरह के सेंटेंस, दो एक्शन परफॉर्म हुए पास के अंदर, इसको किस तरह एक्सप्रेस करेंगे, इसको यूं करेंगे, फॉर एग्जांपल वेन मार्क वॉक अप ही शेव्ड, वेन मार्क वॉक अप, जब मार्क उठा था तो उसने शेव की थी। वेन क्लॉज के अंदर दोबारा देखें, जब मार्क उठा था उसने शेव की थी। यहाँ पे गौर करने की बात है, जब वेन वार्क मार्क वॉक अप, एक वेन जब पहले आ रहा है सेंटेंस में, यानी स्टार्ट आ रहा है, तो आपके पास कॉमा का इस्तेमाल हो रहा है, देन दूसरा जुमला बताया जा रहा है ही शेव। अगर हम वेन क्लॉज बाद में आएगा तो उसके अंदर कॉमा देने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे कि मार्क शेव्ड When he woke up, दोनों करेक्ट हैं, सिर्फ और सिर्फ when का इस्तेमाल करने की जो पोजिशन वो चेंज है, और कॉमा आपके पास नहीं आता जब mark, shaved और when clause जो है बाद में आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा when clause के साथ past simple का इस्तेमाल कैसे होता है। To be verbs, देखिए to be verbs जैसे कि आपके पास was and were हैं, past के to be verb was एंड वर हैं, एंड आपके प्रेजेंट के अंदर इज एम एंड आर टू बी वर्ब्स थे। इनका मकसद क्या होता है? काफ़ी सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें पास्ट को शो करने के लिए ये टू बी वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये टू बी वर्ब्स पास्ट के ना होंगे तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि ये कौन से सेंटेंस हैं, ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। तो सिंपल इसको हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल This is a book, मैं present की तरफ लेके जाके आपको समझा रहा हूँ। This is a book, ये book है, ये किताब है। तो ये देखें होने की बात कर रहा है, present के होने की वजह से बात कर रहे हैं, book है, ये किताब है, होना जो present में हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है। अगर हम यहाँ करें, ये ऐसे कहेंगे There was a book, इसका मकसद ये है कि यहाँ पर एक किताब पढ़ी थी, यहाँ पर होने की बात कर रहा है, पढ़ी होने की बात कर रहा है, तो वो पास्ट का जो ये सेंटेंस है ये बता रहा है कि यहाँ पर ये बुक पढ़ी हुई थी। होने की बात जो जिक्र हो रहा है, होना, वो पास्ट टू बी वर्ब है, इसकी वजह से हो रहा है। अगर हम कहेंगे देयर इज अ बुक, ये प्रेजेंट का जो ये हमारे पास सिंपल टू बी फॉर्म आ गई कि वहाँ पर बुक पड़ी है की बात कर रहा है। होना इस भी होना शो करता है, वाज भी होना शो करता है, पर ये पास का शो कर रहा होता है, ये प्रेजेंट का शो कर रहा होता है। मैंने आपको दोबारा बताता चलूं, अगर आप कहीं किताब पढ़ी हुई है तो सिंपल इज एम आर में से कोई एक, जैसे कि इज का यहाँ पर शुरू यूज होगा, देर इज अ बुक, तो वहां पर बुक पड़ी हुई है, ये प्रेजेंट टू बी वर्ब की वजह से प्रेजेंट में शो, प्रेजेंट में एक्सप्रेस किया जा रहा है। अगर हम कहेंगे देयर वॉज अ बुक, वहाँ पर एक किताब पढ़ी हुई थी, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम वॉज टू बी वर्ब्स के थ्रू हम बता रहे होते हैं, जैसे कि इज एम आर आपके पास प्रेजेंट सिंपल के होते हैं, इसी तरह से वॉज वर आपके पास पास सिंपल के होते हैं। इसके जो पॉजिटिव हैं, अफर्मेटिव हैं, आई वॉज एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर था, अब नहीं हूँ, पहले था, I am an engineer, मैं इंजीनियर हूँ, इसका कॉन्सेप्ट हो रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से हूँ।
पर वॉज आई वॉज एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर था अब नहीं हूँ। देवर हेल्पलेस, ये मतलब कि उम्मीद नहीं थी इनके पास, ये हेल्पलेस थे। लेकिन अब की बात नहीं कर रहा, मैं पास की बात कर रहा हूँ। दे वर अ जीनियस, ये जीनियस थे, ये लोग जीनियस थे, अब जीनियस नहीं है, मैं पास की बात कर रहा हूँ। वास होने की वजह से, होना, ये जो होना हो रहा है ये आपके पास वास और वर की वजह से हो रहा है। अगर इस एम आर होगा तो प्रेजेंट में आ जाएगा। मैं दोबारा ये कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि इसी वजह से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि होना जो हम यूज़ कर रहे होते हैं कि सेंटेंस के अंदर, जहाँ होना होता है, होने का एक्सप्रेशन आ रहा होता है, तो वहाँ पर इस एम आर यानी कि प्रेजेंट के लिए, वॉज वर आपके पास के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेगेटिव के अंदर आई वॉज, यू वर, या फिर आपके पास वी वर नॉट, या फिर दे वर नॉट, आई वॉज नॉट, वॉज आई, आपके पास जो टू बी वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, वर यू, वर वी, वर दे, वॉज ही शी इट। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना ही वॉज देयर, ये वहां पर था। हम क्वेश्चन बोलेंगे वॉज ही देयर, क्या ये या वो वहां था, ये क्वेश्चन में आ जाएगा। ही वॉज नॉट देयर, ये वहां पर नहीं था। देखें होने की बात कर रहा है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट आ जाएगा, टू बी वर्ब आ जाएगा, एंड आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, टू बी वर्ब आ गया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट, टू बी वर्ब, नॉट, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा आपके नेगेटिव क्वेश्चन और अफर्मेटिव टू बी वर्ब के साथ कैसे बनते हैं और टू बी वर्ब का मकसद क्या होता है। रूल्स ऑफ स्पेलिंग पास्ट सिंपल के लिए, ऐसे वर्ब्स जो कि एंड हो रहे हो आपके कॉन्सोनेंट और ई के साथ, तो सिंपल आपने ई डी का इस्तेमाल करने से, होप, होप्ड, इंजर, इंजर, डेट, डेटेड। और ऐसे वर्ब जो कि वन सिलेबल हो और वो एंड में कॉन्सोनेंट के साथ एंड हो रहे हो और उससे पहले एक वोवेल हो, जैसे कि यहाँ पर है और आखिर कॉन्सोनेंट के साथ एंड हो रहा है पर एक वोवेल है, तो आपने क्या करना है, आपने जो आखिरी वोवेल है उसको डबल करना है और ई डी का इजाफा करना। जैसे वन वोवेल टू कॉन्सोनेंट होने चाहिए एंड वाले, ये वन वोवेल है, यहाँ पर ये दो कॉन्सोनेंट हो गए तो स्टॉप्ड हो जाएगा। आपके पास ऐसे वन सिलेबल वर्ब्स जहाँ पर आपके पास दो वोवेल हो और एंड में एक कॉन्सोनेंट हो, तो आपने सिंपल ई डी का इजाफा करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, टू वोवेल वन कॉन्सोनेंट, टू वोवेल है देन सिंपल वन कॉन्सोनेंट होना चाहिए और सिंपल ई डी का इजाफा होगा, तो आपका पास सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। टू सिलेबल वाले वर्ब जिसमें लिसन, लिसन टू सिलेबल्स हैं जिसमें फर्स्ट पर स्ट्रेस आए, लिसन पे, देखिए एल जब बात कर रहे हैं, लिसन बोल रहे हैं, तो लिस जो है इस पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है, यानी फर्स्ट सिलेबल, जब फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस पड़ रहा है, जब फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस हो तो आपने सिंपल ई डी का इजाफा करना है। लिसेंड, ओपन, ओपेंड, आपके बिगिन, देखें दो सिलेबल्स वाला वर्ड है, इस पर देखें दोनों पर स्ट्रेस पड़ रहा है, जो सेकंड है उस पर सॉरी स्ट्रेस पड़ रहा है, बिगिन, प्रिफर, आप देखें फर पर स्ट्रेस पड़ रहा है, तो इसके अंदर आपने सिंपल आपने आर का इजाफा करना है, टू कॉन्सनेंट एंड देन ई डी का इजाफा करना है। जब फर्स्ट वाले पर सिलेबल पर स्ट्रेस पड़े तो आपने वन कॉन्सनेंट एंड ई डी का इजाफा करना है, यानी कि एक कॉन्सनेंट, देखें यहाँ पर एक कॉन्सनेंट और फिर ई डी का इजाफा हो रहा है। और याद रखिए प्रेफर सेकंड पे स्ट्रेस पड़ रहा है तो डबल कॉन्सनेंट, टू कॉन्सनेंट एंड ई डी का इजाफा कर रहा है। देखें ये इररेगुलर वर्ब है, आपके पास बिगिन का बिगैन, ये इररेगुलर वर्ब है, ये आप आगे मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। वर्ब्स दैट एंड इन टू कॉन्सनेंट जैसे कि स्टार्ट, फोल्ड, डिमांड, इनके अंदर सिंपल आपने एंड में क्या करना है, ई डी का इजाफा करना है, स्टार्टेड, फोल्डेड और डिमांड। और ऐसे वर्ब्स जो एंड हो वाई के साथ देन कीप दी वाई, वाई को वहीं रहने देना है और ई डी का इजाफा करना, जैसे इंजॉयड, इंजॉय का इंजॉयड, प्रे का आपके पास प्रेड और बाय का, ये इररेगुलर वर्ब है,
जिसकी वजह से ये बॉट, इसका ये इरेगुलर वर्ब है। बहरहाल रेगुलर वर्ब जो कि वाई के साथ एंड हो रहे हो, आपने सिंपल ई डी का इजाफा करना है और वाई को रखे रहने देना है। और ऐसे वर्ब जो कि आई ई के साथ एंड हो या फिर जब बोलें तो ई कॉन्सोने सॉरी साइलेंट हो, जैसे डाई लाए, तो इनके अंदर आपने क्या करना है, सिंपल ये सॉरी यह यहाँ पर यूँ नहीं होगा, आपने डाइड का एल आई ई डी, आपने डाई के अंदर सिंपल डी का इजाफा करना है और आपने लाए के अंदर डी का, यानी कि जो एंड हो ई को ई साइलेंट के साथ और आई के साथ या आई ई के या के साथ या फिर ई साइलेंट के साथ जो वर्ड उनके अंदर सिंपल आपने डी का इजाफा करना है। कुछ ऐसे वर्ब जो एल के साथ एंड हो रहे हो, तो अगर ब्रिटिश इंग्लिश आप यूज़ कर रहे हैं, ब्रिटिश आपके पास राइटिंग है या फिर ब्रिटिश रूल के अंदर हम सिंपल एल का इजाफा करते हैं और ई डी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैंसल्ड कैंसल्ड, ट्रेवल ट्रेवल्ड ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर। आपके पास यूएस इंग्लिश के अंदर सिंपल आपने यहाँ पर ई डी का इजाफा करना होता है पास सिंपल में जाने के लिए। इररेगुलर वर्ब्स एक ऐसे वर्ब्स होते हैं जैसे अराइज अरोस, आपके पास बी वाज वर, उसके बाद बियर, आपने जैसे बोर, ये आपके पास इररेगुलर वर्ब्स है। इनको आपने सिंपली लर्न करना होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आप इंग्लिश पर कमांड हासिल करते हुए जाते हैं रीडिंग के साथ, राइटिंग के साथ या बोलने की वजह से, तो ये अल्फाज आपके माइंड में याद मेमोराइज होना शुरू हो जाते हैं। तो इनके लिए कोई रूल नहीं है, इसके लिए आई एम सॉरी, इनके लिए कोई रूल नहीं है, पर इनको बहरहाल याद करना पड़ता है। आगे चलते हैं नेगेटिव फॉर्म्स, फॉर्म्स ऑफ आपके पास पास सिंपल की कैसे होती हैं, तो उसको हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेगेटिव फॉर्म्स की बात करें तो दिस मॉर्निंग आई डिड नॉट क्लीन माई टीथ, देखिए डिड नॉट का इजाफा हो गया यहाँ पर सिंपल के अंदर। और सेकंड रूल ये है कि आप जब नेगेटिव बनाएंगे तो आप सिंपल इंडेफिनेट या फिर इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब या सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ना कि दिस मॉर्निंग आई डिड नॉट क्लीन्ड माई टीथ। आप दोबारा बताता चलूँ, जब आप नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे और डिड नॉट का इजाफा करेंगे तो उसके अंदर आप सिंपल का इस्तेमाल करेंगे वर्ब का, ना कि पास जो होती है वर्ब की फॉर्म उसको नहीं यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये इसका स्ट्रक्चर है, आपके पास सब्जेक्ट आता है, फिर डिड नॉट का इस्तेमाल होता है एंड देन आपके पास मेन वर्ब सिंपल फॉर्म, जिसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म भी कहते हैं और सिंपल फॉर्म भी कहते हैं। एक और बात बताता चलूँ, जब भी डिड का इस्तेमाल होगा आपने सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करनी है, ही शी इट के साथ भी डिड नॉट, दे डिड नॉट, दे वी डिड नॉट, तमाम के तमाम वर्ब्स के साथ आपने सॉरी सेंटेंसेस के साथ जब आप नेगेटिव बनाएं तो डिड नॉट के साथ सिंपल फॉर्म और डिड नॉट का इजाफा हो जाएगा सब्जेक्ट के फौरन बाद। जब क्वेश्चन फॉर्मेट बनाएंगे जैसे डिड यू क्लोज द डोर, ये बिल्कुल करेक्ट है, पर अगर इसके साथ आप डिड यू क्लोज द डोर करेंगे तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर डिड के साथ सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते वर्ब की। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है क्वेश्चन बनाने के लिए, डिड सब्जेक्ट सॉरी डिड आपके पास क्वेश्चन बनाने के लिए एंड देन सब्जेक्ट आई डोर, डिड आई सॉरी यहाँ पे मैन वर्ब भी आएगा, मैन वर्ब का भी इस्तेमाल होगा, ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया है यहाँ पर, ये डोर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्लोज का आपके पास इस्तेमाल होगा हर जगह पर, ये हमारे पास थोड़ी हमसे गलती हो गई है, तो ये यहाँ पर असल में ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, ये यहाँ पर वर्ब मैन क्लोज का होगा, सब्जेक्ट सॉरी यहाँ पर डिड क्वेश्चन बनाने के लिए देन सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट, सिंपल फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट ना कि सेकेंड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। डिड आई डिड यू क्लोज द डोर, डिड आई क्लोज द डोर, डिड दे क्लोज द डोर, डिड वी क्लोज द डोर, तो इस तरह के तमाम सेंटेंसेस के अंदर हमने सिंपल फॉर्म का इस्तेमाल करना है। मैं दोबारा बताता चलूँ, जब आप क्वेश्चन बनाएं या फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाएं सिंपल पास का, तो उसके अंदर डिड का इस्तेमाल होता है और डिड के अंदर हमारे पास हमेशा सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करेंगे, ना कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि हम सिंपल अफर्मेटिव के साथ यूज़ कर रहे होते हैं। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर कोई भी आपके पास सवाल आपके माइंड में आता है तो आप डू कमेंट करें, हमें बड़ी खुशी होगी आपको उसका आंसर देने के लिए।
तो मुझे उम्मीद है कि जो आज इस लेक्चर के अंदर मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा था, बड़ी डिटेल के साथ मैंने वो डिलीवर किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर को देखने के बाद पास्ट सिंपल के हवाले से कोई भी सवाल आपके माइंड में नहीं आएगा।